हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज के इस लैक्चर से असं पढ़ जा रहे हैं मोबियस फंक्शन। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक कहूँगा मैं, बड़े ध्यान दे नाल समझना। सब तो पहला असं समझांगे डेफिनेशन मोबियस फंक्शन। जे असी एक मैप डिफाइन कर लीए, मोबियस फंक्शन असी म्यू एन दे नाल डिनोट करते हैं। असी कोई भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो मोबियस फंक्शन फाइंड करना तो आंसर ऑलवेज माइनस वन जीरो तो वन ही आना, जां तां माइनस वन आएगा जां जीरो आएगा जां वन आएगा। डिफाइन किवें करना, इफ एन वन फिर होएगा वन, इफ प्राइम स्केयर डिवाइजर हो जाए, इफ प्राइम स्केयर डिवाइजर हो जाए, परफेक्ट स्केयर कोई डिवाइजर हो जाए एन का, तो उस केस में आंसर जीरो आना। जे एन नूं असीं कैनोनिकल फॉर्म च लिख लैंदे आ, वो किसी की पावर च नहीं आता, प्राइम की पावर च नहीं आता, असीं उन्हें कैनोनिकल फॉर्म च लिखांगे इस तरीके, दैन माइनस वन रेस टू पावर आर आएगा। कुछ मैं एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करदा। म्यू वन, सो म्यू वन कितना होएगा वन, क्योंकि असीं कह चुके हैं इफ एन वन दैन आंसर इज़ वन। म्यू टू, म्यू टू की होएगा, टू नूं फिर असीं कैनोनिकल फॉर्म च लिख लिया, टू की कैनोनिकल फॉर्म की आ, टू ही है। सो एक फैक्टर आया, जिन्ने फैक्टर आ उन्नी पावर रेज करनी है, सो माइनस वन रेज टू पावर वन। म्यू थ्री, नंबर ऑफ प्राइम, नंबर ऑफ प्राइम, नंबर ऑफ प्राइम इज़ वन, अगेन आंसर इज़ माइनस वन। म्यू ऑफ फोर, म्यू फोर नूं की कह सकते हैं तुसीं, म्यू टू स्केयर, म्यू टू स्केयर, सो टू स्केयर डिवाइजर हो गया, फोर इज डिवाइजर ऑफ फोर, बिकॉज टू स्केयर इज डिवाइजर ऑफ फोर, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट म्यू फोर इज जीरो। म्यू फाइव, अगेन नंबर ऑफ प्राइम इज वन, सो आंसर इज माइनस वन रेस टू पावर वन, दैट इज माइनस वन। म्यू सिक्स, म्यू सिक्स कैन बी रिटन एज टू इंटू थ्री, नंबर ऑफ प्राइम्स आर टू, नंबर ऑफ प्राइम्स आर टू, सो आंसर आएगा माइनस वन रेस टू पावर टू, दैट इज़ वन, नंबर ऑफ प्राइम्स आर टू। अगेन फर्दर फर्दर होर देखो, म्यू सेवन, नंबर ऑफ प्राइम इज़ वन, सो माइनस वन रेस टू पावर वन। म्यू एट, म्यू एट इज इक्वल टू म्यू टू क्यूब, सो इस सो म्यू एट इज़ जीरो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, बिकॉज टू क्यूब इज़ फैक्टर ऑफ प्राइम का, प्राइम की पावर च आ गया। सो और जू कैन से डायरेक्ट जीरो एज टू स्केयर इज़ फैक्टर ऑफ एट, टू स्केयर इज़ फैक्टर ऑफ एट, बिकॉज टू स्केयर इज़ फैक्टर ऑफ एट। म्यू नाइन, अगेन म्यू नाइन, सो नाइन का डिवाइजर इट सेल्फ, सो म्यू नाइन इज़ जीरो। म्यू टेन, म्यू टेन इज़ म्यू टू इंटू फाइव, अगेन नंबर ऑफ प्राइम्स आर टू, सो माइनस वन स्केयर, सो आंसर इज़ वन एंड सो। इस तरीके असी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी म्यू की वैल्यू। मैं फिर रिपीट करता, इफ एन वन दैन वन, इफ पी स्केयर इज डिवाइजर ऑफ एन दैन जीरो, अगेन माइनस इफ एन कैन बी रिटन एज इन द दिस फॉर्म, इफ एन इज इन दिस फॉर्म दैन माइनस वन रेस टू पावर आर, बिकॉज देर आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, सो माइनस वन रेस टू पावर आर। हाँ जी, नैक्सट आ डेफिनेशन तो बाद हम असं कर जा रहे हैं मार्टिनस लेमा। यह भी इंपोर्टेंट रिजल्ट आ, बहुत ईजी आ। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन, समेशन डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी, इफ एन इज इक्वल टू वन दैन वन, इफ एन ग्रेटर दैन वन दैन वैल्यू इज जीरो। ये हूँ असी प्रूफ करांगे, प्रूफ इस लैमे नूं असीं प्रूफ करांगे। सब तो पहला असीं लै लोगे इफ एन वन, एन वन लो, दैन डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी इज इक्वल टू, एन नूं वन लै लो, म्यू डी
डिवाइजर ऑफ वन इज़ वन, डिवाइजर ऑफ वन इज़ वन, सो वैल्यू हड़ी की होएगी वन, सो म्यू वन, एंड म्यू वन असं कह चुके हैं वन, म्यू वन वन ही होगा, म्यू वन इज़ वन, सो रिजल्ट ट्रू हो गया, इफ एन वन है दैन इस समेशन की वैल्यू वन आ गई, सो रिजल्ट होल्ड कर गया। हुण असी करांगे दूसरा केस वैन एन ग्रेटर दैन वन, वो असी केस करते हैं। तो मैं तुसी ये उतार चुके होवोगे, हुण मैं इहनू कर दिंदा रफ, तो असी हुण सैकेंड केस करांगे। सैकेंड केस, इफ केस सैकेंड, इफ एन ग्रेटर दैन वन दैन राइट एन एज कनोनिकल फॉर्म, कनोनिकल फॉर्म च लिखो एन पी वन ए वन पी टू ए टू पी आर ए आर वेयर पी आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम, डिस्टिंक्ट प्राइम। दैन एनी डिवाइजर, एनी डिवाइजर डी ऑफ एन इज ऑफ द टाइप, ये सारे कंसैप्ट मैं पहले अपनी पिछलियाँ दो तीन वीडियो करवा चुके हैं। जो स्टूडेंट ये डायरैक्ट ये वीडियो देख रहा उन्होंने पहले मेरिया पिछले दो तीन लैक्चर देखने पड़ेंगे अर्थमैटिक फंक्शन के नाल रिलेटड, फिर कंसैप्ट क्लीयर होंगे। सो डी पी वन अल्फा वन पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन पी आर अल्फा आर, ये सारे कॉन्सेप्ट पिछे असी क्लीयर करा रहे हैं, वार वार मैं समझाने की कोई बहुती जरूरत नहीं हैगी। ए आई दैन डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी, सबस्टिट्यूट कर दो वैल्यू, जीरो लैस दैन अल्फा आई लैस दैन ए आई, म्यू ऑफ पी वन अल्फा वन पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन पी आर अल्फा आर। जिमें कि असी पहला पढ़ के आए हैं कि फाई एन फंक्शन, टो फंक्शन, सिगमा फंक्शन, सिगमा के फंक्शन और आर मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, इन द सेम वे म्यू एन फंक्शन मोबियस फंक्शन इज आल्सो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। प्रूफ तुसीं आप करना, बहुत ईजी प्रूफ है, जिमें कि असी टॉप फंक्शन डिवाइजर फंक्शन शो करवाया बिल्कुल एज इट इज़ करना, वह तुसी आप करोगे। सो इतने असी और रिजल्ट यूज करांगे, सिगमा म्यू पी वन अल्फा वन इंटू म्यू पी टू सैपरेट कर देंगे, कहिंदा मीनिंग अल्फा टू एंड सो ऑन पी आर अल्फा आर। क्यों चूज किया? बिकॉज मोबियस फंक्शन इज मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन की सी मीनिंग म्यू एम एन इज इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू एन इफ जी सी डी ऑफ एम एंड एन इज वन, ये असी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। नाउ अगेन अल्फा वेरीज फ्रॉम जीरो टू ए आई, फिर असी करांगे सेपरेट जीरो अल्फा वन ए वन म्यू पी वन अल्फा वन जीरो अल्फा टू ए टू म्यू पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन। म्यू समेशन, समेशन जीरो अल्फा आर ए आर म्यू पी आर अल्फा आर। सो समेशन भी असी हर एक टर्म के नाल लगा दते, अलग अलग कर ले। हुण साडा नैक्सट स्टैप की है, मैं इस इक्वेशन नूं मैं स्टार इक्वेशन दे रहा, नंबर दे रहा, मैं सब तो पहला इस समेशन की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, फिर इस समेशन की एंड सो इस समेशन की उन्होंने मैं इतने सबस्टिट्यूट करूँगा। तो आओ करिए हुण असी इन्हां दीआं वैल्यूज़ फाइंड करांगे। लैफ्ट हैंड साइड ते आ डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी, उपरों कर दिंदे आ रफ, ये सारे कॉन्सेप्ट असी पहला
किए हुए है। इस करके मैं बहुत डीपली नहीं समझा रहा। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ जीरो अल्फा वन ए वन म्यू पी वन अल्फा वन, यदि ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करांगे जो मैं बॉक्स में बंद किया। हाँ जी, अल्फा वन वेरीज फ्रॉम जीरो टू ए वन, सो टेक अल्फा वन जीरो दैन वन दैन टू एंड एंड विच ए वन, सो म्यू पी वन रेस टू पावर जीरो म्यू पी वन रेस टू पावर वन म्यू पी वन रेस टू पावर टू म्यू पी वन क्यूब एंड सो ऑन म्यू पी वन ए वन लास्ट विच ए वन। सो अल्फा वन दी वैल्यूज नूं असीं वेरी करवाया वेरीज फ्रॉम जीरो टू ए वन। नाओ पी वन रेस टू पावर जीरो इज वन एंड म्यू वन इज वन, प्राइम नंबर कितने प्राइम नंबर है ओनली वन, सो ए आएगा माइनस वन रेस टू पावर वन क्योंकि एक प्राइम नंबर है। हुण प्राइम नंबर पी वन स्केयर वो अपने आप प्राइम का ही डिवाइजर है, सो ए हो जाएगा जीरो। पी वन क्यूब, पी वन क्यूब का भी पी वन स्केयर डिवाइजर आ, सो ए भी जीरो आएगा। इदा ही पी वन जी फोर टर्म होएगी पी वन स्केयर वह भी डिवाइजर आएगा, सो पी वन स्केयर यदा भी डिवाइजर यदा भी डिवाइजर यदा भी डिवाइजर सारे का ही डिवाइजर, सो वो सारे जीरो हो जाएंगे। ये असी डेफिनेशन पहले कर चुके हैं। जे प्राइम का स्केयर डिवाइजर होएगा तो मोबियस फंक्शन की वैल्यू जीरो 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 एंड सो ऑन जीरो माइनस वन प्लस वन ए वी जीरो। सो इस समेशन की वैल्यू जीरो आ गई, इस बॉक्स की वैल्यू जीरो आ गई। सिमिलरली वी कैन प्रूव इस समेशन की वैल्यू जीरो आएगी एंड सो ऑन इस समेशन की वैल्यू भी जीरो आएगी। हम असं लिखांगे सिमिलरली सिमिलरली समेशन अल्फा टू ए टू म्यू पी टू अल्फा टू जीरो एंड सो ऑन समेशन अल्फा आर ए आर म्यू पी आर अल्फा आर भी आएगा जीरो। इन सारे असं सबस्टिट्यूट कर देंगे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर स्टार दे विच, ए है मेरी स्टार इक्वेशन, तो की आंसर आ जाएगा डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई चा एक भी जीरो होगी जीरो टू समथिंग जीरो हो जानी है बट ये तो सारिया जीरो आ एंड सो ऑन जीरो, सो आंसर आ जाएगा जीरो। हैंस की शो कर दिता दो केस किते, फस्ट केस में आंसर आया सी वन ते लास्ट जिहड़ा सैकेंड केस किया उहदा आंसर आया मेरे कोल जीरो। सो असी लिखांगे वन आंसर कदों आया इफ एन वन, जीरो आंसर आया इफ एन ग्रेटर दैन वन। ये सी मल्टीन लेमा। हुण असी नैक्सट क्वेश्चन करांगे। हाँ जी, एक मैं हिंट देना चाहना जे क्वेश्चन इदा आ जाए इफ एन पी वन पी टू पी के डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी मॉडुलस टू रेस टू पावर के आंसर आएगा। जां जिहदा असी हुण क्वेश्चन किया असी आर लिया सी, मैं थोड़ा हिंट देना चाहना इस क्वेश्चन का, तुसी करना आप ही हिंट। देखो जे एन साढ़े कोई भी इस टाइप का आ जाए, असी लास्ट क्वेश्चन किया मैं पी आर लैके ही चलना, ठीक है जी, असी सारा ही क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम एज इट इज़ करी जाना तुसी। तो जो तुसी इत्थे पहुँचे सी ना, जो तुसी एक आ टर्म चुकी सी जीरो अल्फा वन लैस दैन ए वन म्यू पी वन ए वन, जां ये कह लो जो तुसी इत्थे पहुँचे ना डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी, इत्थे मोड पाना इदा होणगे स्टैप जीरो अल्फा आई ए आई म्यू मोड चा जाएगा पी वन
अल्फा वन पी टू अल्फा टू एंड पी आर अल्फा आर जे के है तो फिर के लेना क्योंकि जे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना तो फिर के लवेंगे इस तरीके दे नाल वो फरदर तुहाडे को इदां आ जाएगा समेशन म्यू मोबियस फंक्शन जो अपलाई करोगे पी वन अल्फा वन वो भी मोड जाएगा इन टू जरा सैकेंड समेशन होएगा वो भी मोड जाएगा पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन लास्ट वाला भी मोड जाएगा फिर तुसी इस बॉक्स जो वैल्यू फाइंड करनी तो वह की आनी नाओ समेशन जस्ट हिंट दे रहे हैं अल्फा वन ए वन म्यू पी वन अल्फा वन कंप्लीट करना तुसी मैं जस्ट हिंट दे रहा वो आएगा म्यू पी वन जीरो मोड प्लस म्यू पी वन रेस टू पावर वन प्लस म्यू पी वन सुकेयर मोड चाणगे सारे एंड सो ऑन म्यू पी वन पी वन पी वन रेस टू पावर की सी ए वन इस तरीके मोड चाणगे सो म्यू वन इज़ वन मॉडल्स ऑफ वन प्लस ए माइनस वन रेस टू पावर वन ए भी मॉडल्स आएगा बाकी सारे आएंगे जीरो सो वन का मोड वन माइनस वन का मोड भी वन सो आंसर आ गया टू आंसर आ गया टू सिमिलरली यदा आंसर भी टू आएगा यदा आंसर भी टू आएगा तो जो तुम सब्सटीट्यूट करोगे स्टार च पुट कर देना इन्हों पुट इन स्टार जो तुम स्टार च पुट करोगे स्टार ए वाली इक्वेशन दे तो आंसर की आना तो आंसर आएगा डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी मॉडुलस आ टू इंटू टू इंटू टू के टाइम्स आ क्योंकि के प्राइम नंबर आ तो आंसर आ जाएगा टू रेस टू पावर के इस तरीके ये जो क्वेश्चन करना असं हूँ असं करा नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी हूँ असं एक्सरसाइज का सैकेंड क्वेश्चन कर जा रहे हैं ये मैं कुछ लिखे आ कुछ क्वेश्चन दिया टाइप्स किस तरीके क्वेश्चन आ सकते अपने ध्यान में समझना असी कि फंक्शन पढ़े आ असी फाई एन फंक्शन पढ़े आदि बारे तो तुम पिछले लैक्चर देख के समझना पैना उस तो बाद असी टॉप फंक्शन पढ़े फिर असी सिगमा एन फंक्शन पढ़िया सिगमा के फंक्शन भी पढ़िया तो हुण असी म्यू एन फंक्शन भी पढ़ लिया मोबियस फंक्शन इन्हां नाल रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पेपर च आ सकता एग्जाम च आ सकता हुण क्वेश्चन इदा भी आ सकता म्यू डी ओवर डी क्वेश्चन इदा भी आ सकता म्यू डी इंटू टॉ डी ये मैं हुण करवाण जा रहा नहीं ये नहीं सिगमा वाला करवाण जा रहा ये वाला क्वेश्चन इदा भी आ सकता इस तरीके भी आ सकता ये म्यू डी दे नाल फाई डी आदि म्यू डी दे नाल सिगमा डी आदि म्यू डी दे नाल टॉ डी आ सो इस तरीके किन्ने क्वेश्चन बन गए वन टू थ्री तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कोई एग्जाम्पल होएगी तुहाडी बुक ते कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन होएगा तो तुम जिस तरीके मैं करवा रहा इसे तुम ये मैथड फॉलो करना ना कि अपनी बुक वाला सो इतने म्यू डी दे नाल फाई डी आ प्रोसैस सेम होना इतने म्यू डी दे नाल टॉ डी इतने म्यू डी दे नाल सिगमा डी आ तो मैं ये वाला करवा रहा म्यू डी इंटू सिगमा डी बाकी तुसी दो क्वेश्चन जोड़े आ टॉ वाला ते फाई वाला वो तुसी आप करोगे बिल्कुल सेम है सारे कोई फर्क नहीं है सो मैं ये क्वेश्चन करा जा रहा एन ग्रेटर दैन वन एंड एन इज पी वन के टू पी आर के आर शो दैट डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी सिगमा डी ये असी शो करना मोस्टली वैसे तो ए वन ए टू ए आर दते होंगे बट इस क्वेश्चन जे गए तो असं के लवेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं प्रूफ करिए हूँ एक गल होर एन ग्रेटर दैन वन कह दिता जे एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन कहें पहले असी एन इक्वल टू वन पुट करना सी ए बट इस क्वेश्चन एन ग्रेटर दैन ही वन गिवन है सो असी के सैकंड तो ही स्टार्ट करांगे इदे क्वेश्चन आ सकते हैं देखो म्यू स्केयर डी ओवर फाई डी आ सकता म्यू स्केयर डी दे नाल ओवर टॉ डी आ सकता म्यू स्केयर डी दे नाल ओवर सिगमा डी भी आ सकता ये क्वेश्चन मैं इन्हां चों भी करवावांगा म्यू डी ओवर डी भी आ सकता ये हुण तुसीं लिस्ट देख चुके हैं हुण असीं प्रूफ करांगे प्रोडक्ट वाला ये वाला रिजल्ट हाँ जी एन की है मेरे कोल एन इज पी वन के वन पी टू के टू एंड सो ऑन
PR, KR डिस्टिंक्ट प्राइम आ मैनशन किया होगा स्टेटमेंट कोई कि सारे डिस्टिंक्ट प्राइम है कि पी आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम दैन एनी डिवाइजर दैन एनी डिवाइजर डी ऑफ एन ईज ऑफ द टाइप फिर असी ए वाला स्टैप लिखना सो डी पी वन अल्फा वन पी टू अल्फा टू पी आर अल्फा आर वेयर नाले भी मैंशन करना वेयर अल्फा आई लैस दैन ए आई इतने ए आई नहीं इतना हैगा के आई अल्फा आर लैस दैन के आर एंड सो हुण असीं फाइंड करांगे डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी सिगमा डी जीरो अल्फा आई लैस दैन के आई म्यू डी वट इज़ डी डी इज़ पी वन पी टू अल्फा टू पी आर अल्फा आर एंड सिग्मा पी वन अल्फा वन पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन पी आर अल्फा आर नेक्स्ट स्टेप जीरो अल्फा आई ए के आई बिकॉज म्यू एंड सिग्मा आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन सो दीज कैन बी रिटन एज पी वन अल्फा वन म्यू पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन म्यू पी आर अल्फा आर एंड सिग्मा पी वन अल्फा वन सिग्मा पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन सिग्मा पी आर अल्फा आर बिकॉज म्यू एंड सिग्मा आर मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन नाउ समेशन सेपरेट कर दो म्यू जीरो लैस दैन अल्फा वन ए वन नॉट ए वन के वन म्यू पी वन अल्फा वन सिग्मा पी वन अल्फा वन अब पी वन अल्फा वन पी टू अल्फा वन इन्हों सेपरेट किया इनटू जीरो अल्फा टू लैस दैन के टू म्यू पी टू अल्फा टू सिग्मा पी टू अल्फा टू अल्फा टू एंड सो ऑन समेशन अल्फा आर के आर म्यू पी 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 आर अल्फा आर सिग्मा पी आर अल्फा आर यदा असी नंबर देना स्टार हुण असी पहले समेशन दी वैल्यू कैलकुलेट करांगे इस इक्वेशन सिमिलरली ये लिखांगे सिमिलरली ये लिखांगे वो असी इत्थे पुट करांगे वो साडा आ जाएगा आंसर रफ करिए इत्थे सी मेरे कोल डी डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी सिग्मा डी म्यू डी सिग्मा डी नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट समेशन नाउ विच इज जीरो अल्फा वन के वन म्यू पी वन अल्फा वन सिग्मा पी वन अल्फा वन हाँ जी अल्फा वन वेरीज फ्रॉम जीरो टू के वन सो वो आ जाएगा म्यू पी वन रेस टू पावर जीरो सिग्मा पी वन रेस टू पावर जीरो प्लस म्यू पी वन रेस टू पावर वन सिग्मा पी वन रेस टू पावर वन प्लस म्यू
P1 square sigma P1 square and so on. लास्ट विच की आना वो भी मैंशन कर सकते हैं प्लस म्यू P1 K1 sigma P1 K1 वैल्यूज पुट करो μ1 is 1, σ1 is also 1 सो फर्स्ट की वैल्यू आ गई 1 μ P1 नंबर ऑफ प्राइम इज़ 1 सो वह आंसर आएगा -1^(-1) σP1 प्राइम का सिगमा कहता मीनिंग से सम ऑफ डिवाइजर प्राइम के डिवाइजर 1 and P 2 सो सम कर दो 1+P1 P1 स्केयर परफेक्ट स्केयर डिवाइजर हो गया सो बाकी सारे हो जाने हैं 0 and so on 0 सो की बचा 1 -1 -P1 विच इज़ -P1 बचा सिमिलरली σ0 α2 K2 μ P2 α2 σ P2 α2 का आंसर आएगा -P2 एंड सो ऑन लास्ट वाले का आएगा 0 α r < a r μ P r α r σ P r α r यह आंसर आएगा -P r सो इन्हों सबस्टिट्यूट कर दो सबस्टिट्यूट या पुट इन स्टार इक्वेशन सबस्टिट्यूट करोगे यदि वैल्यू -r की आ गई -1 -P1 -P2 -P r माइनस कॉमन सो -1^(r P1 P2 P r यही साडा आंसर है मैनू लगता यही असी शो करना सी तो शो हो चुके इस तरीके तुसी जिहड़े बाकी क्वेश्चनस आ वह भी इस तरीके ही सोल्व करने सपोज करो कि इत्थे मेरे कोल सिगमा दी जगह ते टॉ हुंदा टॉ डी हुंदा उहदे च की करना सी नंबर ऑफ एडवाइजर चेंज कित्थे आनी सी टॉ लिखी चलना सी इत्थे नंबर ऑफ एडवाइजर ऑफ 1 वो तो 1 ही आना सी इत्थे चेंज आनी सी जिथे टॉ हुंदा टॉ P1 प्राइम दे एडवाइजर नंबर ऑफ एडवाइजर होने से 2 इत्थे आना सी 2 ठीक है बाकी सारे तो 0 ही हो जाने सो उत्थे आना सी 1 दैन -1 × 2 आंसर आना सी -1 and so on इदा ही जो 5 हों तो उस हिसाब ना असी वैल्यूज पुट करनिया फर्क इतने पैंता जो असी वैल्यूज पुट करनिया इस तरीके वो तुम पता होना चाहिए μ1 किन्ना होंदा σ1 किन्ना होंदा τ1 किन्ना होंदा φ1 किन्ना होंदा इदा ही μ2 σ2 τ2 सारे वैल्यू पता होणगियां कोई भी फंक्शन होवे प्रोडक्ट विच आ तां प्रोडक्ट च लिख दो जे ओवर च आ तां ओवर च लिख दो इस तरीके सारे क्वेश्चन करने आ ते अज दे लैक्चर च सिर्फ इन्ना ही जिन्ने मैं इत्थे क्वेश्चन लिखे आ तुसीं हुण आप सोल्व करने आ जे वो सोल्व ना होए तां मैनूं कमेंट बॉक्स विच दस्सिओ जां तुसीं मेरे दित्ते होए वट्सएप नंबर ते भी तुसीं मैनूं मैसेज कर सकदे आ फिर मैं होर क्वेश्चन एक दो करवा सकदा तुहानूं अदरवाइज़ एक लैक्चर मैं होर लगाना इस एक्सरसाइज ते एक लैक्चर उस तो अगली एक्सरसाइज ते इसे हफ्ते साडा ये लैक्चर कंप्लीट हो जाना सॉरी जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाना ये कम तुसी नहीं करते लाइक नहीं करते वीडियो जे सपोज करो 50 स्टूडेंट देख रहे हैं तो उहदे चो 10-12 लाइक्स होंदे सो इदां नहीं करनी चाहिए तुहानू लाइक भी करो वीडियो थैंक यू